So today we are going to read the first chapter of class 1st EVS term 3rd air and water. So as usual we have a warm up. I have a riddle, can you help me to solve it? Mere paas ek paheli hai, kya aap usko suljhane mein meri madad karenge? I am everywhere, you cannot see me but you can only feel me. Who am I? Air, very good. You use me to do many things. If I leak, you need to call a plumber. Who am I? Water, very good. So, इस चैप्टर के हमारे टॉपिक क्या है? Air, uses of air, uses of water and sources of water. Okay, so अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे. Air. Air is all around us. We cannot see air. We feel air when it moves. Air हमारे चारों तरफ हैं. हम air को देख नहीं सकते हैं, but हम उसको feel कर सकते हैं जब वो move करती है तो. Moving air is called wind. Moving air को हम wind बोलते हैं. Gentle wind is called breeze. Gentle wind को हम breeze बोलते हैं. Strong wind is called a storm. और strong wind जो चलती है हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं. ओके, तो सो अब हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एयर. ऑल लिविंग थिंग नीड एयर. नो लिविंग थिंग कैन स्टे अलाइव विदाउट एयर. एयर इज यूजफुल फॉर सेलिंग बोट्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथेस, लिफ्टिंग ऑफ फायर. एयर इज फिल्ड इन बलून्स एंड पिलोज. ओके, हर लिविंग थिंग को एयर की ज़रूरत होती है. ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग बिना एयर के ज़िंदा नहीं रह सकता है. एयर बोट को सेल करने के लिए, ओके, क्लोथेस को ड्राई करने के लिए और फायर को लाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. एयर जो है वो बलून्स और पीलों में भरी जाती है. ओके, अब हम आते हैं वाटर पे. वाटर इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव. लिविंग थिंग्स यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू मेक देयर फूड. ओके, वाटर जो है वो भी हर लिविंग थिंग को चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. ओके, हम वाटर यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग और बाथिंग में. प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है उनका फूड बनाने के लिए. ओके, सो हम यूजेस ऑफ वाटर पे आते हैं. वी यूज़ वाटर टू डू मैनी थिंग्स. वी ड्रिंक वाटर, वी बाथ इन वाटर, वी वॉश क्लोथेस इन वाटर. हम पानी पीते हैं, हम पानी में नहाते हैं. ओके, और हम पानी में कपड़े धोते हैं. ओके, वी पुट आउट फायर यूजिंग वाटर. हम आग बुझा सकते हैं पानी यूज़ करके. प्लांट्स नीड वाटर टू लीव. ओके, प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. एनिमल्स नीड वाटर. एनिमल्स को भी वाटर चाहिए होता है. ओके, फिश लिव्स इन वाटर. फिश जो है वो भी वाटर में ही रहती है. वी नीड वाटर टू कुक फूड. हमको फूड को कुक करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है. ओके, सो अब हम आते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर पे. वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रेन्स, रिवर्स, वेल्स एंड टैप्स. ओके, हमको वाटर जो है डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है, जैसे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, रेन्स, ओके, वेल्स और टैप्स. ओके, ये सारे सोर्सेस है वाटर के. सो अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे. वी ब्रीथ एयर, वेरी गुड. वी कैन ओनली फील एयर, वेरी गुड. वाटर हेल्प अस, वाटर हेल्प्स पुट आउट फायर, वेरी गुड. वी ड्रिंक water, very good. Write any two sources of water. Taps and wells, very good. Why is air important to us? Air important to us because we breathe air. Okay, we breathe in air. Why is water important to us? Water important to us to stay alive. Okay, so what do we breathe? We breathe air, very good. What is wind? A moving air is called wind, very good.
वॉट इज स्टॉर्म, वॉट इज स्टॉर्म, अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. वेरी गुड, राइट. टू डिफरेंट यूजेज ऑफ वॉटर. We drink water, we bath in water, we wash clothes in water. Very good. Right, two sources of water, ponds and lakes are two sources of water. Very good. So this chapter is finished.